नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला भविष्य धनबाद को उज्ज्वल हो, इस क्षेत्र विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े। माफिया विनाश हो, मैं माफिया समाप्त हो। और किसी रूप में अगर आप लोग के किसी किसी के मन में अगर माफिया लोग के प्रति अगर विचार है तो माँ दुर्गा उसको चेंज करके अच्छे लोगों के साथ दीजिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब मुख्य उद्देश्य शिवाजी लगातार लगभग एक आध महीना से आप लोगों ने देख रहे हैं, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप उलझता जा रहा है। और हम खास करके धनबाद जिला के रहने वाले हैं, बागमारा जिला को अच्छे से विधायक है। और मैं धनबाद जिला के तमाम ओसे बुद्धिजीवी से समाज सेवी धर्म के प्रति आस्था विश्वास रखने वाले समाज के प्रति अच्छे विचार भावना रखने वाले और आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष में होता रहता है, मगर इसका सही आकलन सही जांच होना चाहिए। हो सके आरोप लगाने वाले सही हो या गलत हो, हम अपने बात को आप लोगों के बीच में रख रहे हैं ताकि हमारी बात जनता के बीच जाए, पहुँचे और सच्चाई सामने आए। मैं आप लोग से बस यही आग्रह करने के लिए आया हूँ और आग्रह पूर्वक अपनी बात को जनता के बीच में पहुँचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के द्वारा मेरी एक ही सच्चाई, एक ही अच्छाई, एक ही राय को जनता के बीच में आप लोग पहुंचाने का काम करेंगे। आरोप प्रत्यारोप जो आज का दौर जो यहाँ पे चला हुआ है, इसमें खास करके हम कहना चाहेंगे कि लगभग दो तीन साल के अंदर हम पर लगभग 7 से 8 जेल करवाने का काम यहाँ के पूर्व विधायक मोतीलाल जी, जलेश्वर महतो जी और विजय झा जी के द्वारा ये किया गया है। हम तो सभी आए हैं वैष्णो देवी से और हमें जो उनके द्वारा गलत ढोंग करके सत्याग्रह सब फलना चिस्का करके जो लोगों का भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, तो क्षेत्र के लोग, धनबाद के लोग उनके चेहरा और चरित्र वैसे लोगों का जो गलत भावना, गलत अफवाह, गलत बात करके फैलाने का प्रयास कर रहा है। एक साल के अंदर 7 मुकदमा करवा कर बाघमारा ही नहीं पूरे धनबाद को विकास के क्षेत्र में विकास को पार्षद बनने का काम कर रहा है। मेरा चुनौती है वैसे लोगों से जिनके द्वारा गलत आरोप हमारे प्रति लगाया जा रहा है, हिम्मत है इसका जवाब दे। हमारे 10 लगभग 10 वर्ष मेरा कार्यकाल विधायकी का हुआ, 10 वर्ष से पहले भी और 10 वर्ष के बाद भी आज तक के दरमियान लगभग 50 मंदिर, धार्मिक क्षेत्र में 50 मंदिर का मैंने निर्माण करवाने का काम किया। एक मस्जिद का भी निर्माण करवाने का काम किया। अगर नाम लीजिएगा तो नाम हम शाम तक दे सकते हैं, मगर नाम मौके का भी 20-30 मंदिर का नाम बता सकते हैं। और दरदा में मंदिर का निर्माण 50 मंदिर होगा, हम सारे लोगों का सहयोग से, योगदान से, सारे लोगों का 10 वर्षों के दरमियान सारे लोगों के सहयोग योगदान, मतलब ऐसा नहीं कि गुरु मत बनाया, तरीका बहुत है भैया, तरीका सोचने का, करने का, करने का और दिखाने का बहुत तरीका है। इसलिए आज धार्मिक क्षेत्र में भी मैंने 50 से अधिक मंदिर बनवाने का काम किया। कई विद्यालय इसमें अपने पिताजी नाम से मैंने कई विद्यालय जो लगभग 50 रुपया 30 नाम पढ़वा रहे हैं, अब आप दिखा सकते हैं अपना निर्माण नहीं करवाया, जो उसमें 50 रुपया 30 में इस क्षेत्र के तमाम बच्चों को शिक्षा देने का काम करा। उसी क्षेत्र में और लोगों का विद्यालय जो आरोप लगा रहा है, उसे लोगों के विद्यालय में कितना फीस है इसका भी जानकारी उन लोगों के द्वारा जो 10% हमारा काम अगर हुआ है, हमारे तुलना 10% हुआ है तो इसको प्रमाणित करे, अन्यथा समाज को परगलाने, समाज को विभ्रमित करने का काम न करें। क्योंकि वर्तमान समय में समाज के हर घर, हर वर्ग, हर धर्म के लोग जागरूक हो चुके हैं, उन लोग एक एक चीज को समझ रहा है,
कौन गलत है कौन सही है, कौन गलत विभ्रमित कर रहा है समाज को, ये हर लोग समझ रहे हैं। दूसरी बात, आज तक हम पर 353 रुपये कोई दूसरा मुकदमा नहीं हुआ। 353 का मुकदमा मीन्स आंदोलन, 353 का मीन्स क्या होता है वो बतावे। अगर हाँ मतलब वही 353 का मुकदमा आंदोलन धरना प्रदर्शन पुलिंग, उसके छोड़ के हम पर ना कोई हत्या का मुकदमा, न डकैती का है, न रेप का है, न कोई बेईमानी का है, न कोई फोर्स ट्वेंटी का है, न कोई मतलब किसी तरह का इस तरह का मुकदमा हम पर आज तक हुआ है। और हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से हम अपने कार्य शैली के साथ चल रहे हैं कि हमें कभी भी उस तरह का काम न करें जो इस तरह का आरोप हम पर लगे। मगर जो गलत ढंग से हमारे पर छेड़खानी का मुकदमा, न्याय दर्ज करवाना, रिट तय करवाना, ये किनका काम है, ये किनका काम है, इसका जांच तमाम क्षेत्र क्षेत्र के जनता इसका जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट से हो। हमारा भी सबसे ज़्यादा मामला इसी इसका जांच होना चाहिए ना, जांच होकर इसका फोन करवा रहा नहीं करवा रहा, क्यों करवा रहा, क्यों कर रहा है, इसका तो जांच होनी चाहिए। और जांच में जो दोषी पाए उसकी सजा होना चाहिए, उसको दंड होना चाहिए। वो दिखा रहे हैं वीडियो फुटेज, विजय झा जी एक दिन का दिखा रहे, 15 दिन पहले के दिखा रहे हैं कि कितने लोग आते थे, कितने लोग जाते थे, क्या क्या मुकदमा करवाया नहीं करवाया, जितने भ्रष्ट लोग हैं सारे लोग उनके यहाँ जमोड़ा है, सारे भ्रष्ट लोगों को उनके यहाँ जमोड़ा है। और वो गंदी राजनीति का चलने वाला बागमारा नहीं है, बागमारा में ही नहीं, बागमारा में मात्र 3 से 4 लोग, 5वां लोग पब्लिक, जिस दिन क्षेत्र के जनता के लोगों से अगर आवाज़ उठने लगी क्षेत्र के जनता की तरफ से कि नहीं यहाँ पे अशांत है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, तो हम उस दिन राजनीतिक से इस्तीफा दे देंगे, इस राजनीतिक से संन्यास ले देंगे। चंद्रशेखर महतो और विजय झा दोनों ने आरोप लगाया कि करीब 7-8 मामले लगातार वहाँ हुए हैं जिसमें SC ST एक्ट का बुजुर्ग के खिलाफ इस्तेमाल हुए और महिलाओं का इस्तेमाल किसी के दूसरे के खिलाफ चली तरह में। देखिए वो तो जांच का विषय है, हम पर हुआ उसका कौन है उसकी जिम्मेदार, हम अपने तरफ आपके खिलाफ हुआ, हमारे पर हुआ तो हम अपने जिम्मेदार लेंगे, हमारे पर कैसे हुआ। आप कहाँ पे विनय सिंह जी पिटा रहे हैं, बंगाल में मुकदमा हो रहा है हमारे नाम पर, ये सोच नहीं बात ना, पार्टी के हमारे आका वो है ना, घर जाता है आपको पता है, उनका वीडियो फुटेज निकाले ना, मोबाइल लोकेशन निकाले, अगर दूध का दूध पानी का नहीं हुआ तो जो बोलिएगा उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। आवाज कौन उठा रहा है, पब्लिक जिस दिन आवाज उठाने लगेंगे उस दिन हम अपने आप राजनीति, वैसा राजनीति जिनके लिए हम सेवा के भाव से हम काम करना चाहते हैं वैसे लोग हमारा विरोध करने लगेंगे, वैसा राजनीति करने का कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरी बात, मैंने तो कहा कई बार चुनौती दिया कोकिला जी के कार्यकाल, और कोकिला जी के कार्यकाल से ही हमें ज़्यादा याद है, और जलेश्वर महतो जी के कार्यकाल और मेरे कार्यकाल, इनमें तुलना कर लीजिए कि कोकिला जी के कार्यकाल में कितने हत्या हुआ, खुद होते हत्या करवाए हैं। अगर नहीं होगा ना बोलेंगे ना, तो आप जो बोलिएगा उसका जांच वहाँ पब्लिक बोलेगा, अपने लोग बोलेंगे वहाँ, सत्ता के समय रहता तो बच जाता है, कुछ नहीं होता। उन्होंने कई हत्या उनके समय में हुआ, उन्होंने खुद करवाया, जो किया वो भी स्टेटमेंट दिया था, वो पता है कि नहीं वो किनसे करवाया था हत्या, वो भी करवाया कि वकील हमसे बहुत पाप करवाया, अगर बोलिएगा तो बोलिए, हम सामने प्रेस के सामने दिला सकते हैं। दूसरी बात, जलेश्वर महतो के कार्यकाल में कई हत्या हुआ, कितने हत्या हुए आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये हम रजनीकांड में लगभग 90 आदमी का मौत हुआ, आपका नर्मदा हादसा में लगभग 50 आदमी का मौत हुआ, उसका जीवा जवाबदेही भी उस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को ही लेना होगा कि आखिर किसके कमी से हुआ, कौन कमी हुआ, उस खदान का बालू भरा है जलेश्वर महतो करते थे और उसी समय हत्या हुआ, उस समय बालू भरा ना करके पेन पेपर में बालू भरा गया, वहाँ पे बड़ा दुर्घटना हो गया, उनके समय में बहुत हत्या हुआ क्षेत्र में बागमारा विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्र हमारे समय में कितना हुआ इसका भी जाँच होना चाहिए। अगर हिम्मत है तो सरकार के पास हाथ होगा ITI के तहत, या जिससे आप लोग मिटा दीजिए, अगर हमारे समय में अगर ज़्यादा चोरी डकैती हत्या मर्डर लूट बेईमानी आतंक दंगा हुआ है तो हम छोड़ देंगे राजनीति से संन्यास ले लेंगे, नहीं तो लोग राजनीति का नाम भी नहीं लेना, वो लोग संन्यास लेके घर में घुस जाना होगा, क्या चुनौती की स्वीकार करेंगे, पूछ लीजिएगा तीनों से, पूछिएगा तीनों से, उसको भी हिम्मत छोड़िएगा कि वही अभी 3 लीटर बना हुआ है, 3 लीटर बना हुआ अभी
अब कौन सा आप जानते हो भैया।